कॉम कुरैशी इलेक्ट्रॉनिक्स से गुलाम मोहम्मद। ये एक मेरे पास फिलिप्स की 42 इंच की एलसीडी आई है। इसमें मसला ये था कि इसकी पावर सप्लाई का इशू है, जो पीएफसी पावर सप्लाई है, और इसकी एक आईसी ये बर्न हो चुकी थी। इसके साथ ये एक मॉड्यूल मैंने लगाया, जिसकी वजह से पावर सप्लाई को जो है ना ऑन कर दिया है हमने। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद जो है इसका मेन जो मदरबोर्ड है वो भी फॉल्टी था। इसकी मेन आईसी इसकी भी शॉर्ट है, और अब इसको ऑन करने के लिए आम चाइना का जो यूनिवर्सल बोर्ड आता है, इसका नंबर है TR67.03V7, तो ये इसमें इंस्टॉल किया है। और इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो LVDS केबल है, इसको ये मार्केट से बाज़ार से मिल जाती हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट करके, और ये जो है ना इसको हमने ठीक किया है। बहरहाल इस PFC पावर सप्लाई जो आम तौर पे ऑन करने के लिए 3.3 वोल्ट जो हम इसको कार्ड को रिटर्न देते हैं, जिसकी वजह से ये पावर सप्लाई ऑन होती है, हमारे 12 वोल्ट बनते हैं, लेकिन इसमें 3.3 वोल्ट नहीं, ये ग्राउंड के साथ जो है ये हमारा कार्ड ऑन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल करके अब देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसे है। इसको अब हम स्टैंड पे से हटाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो टीवी है वो ऑन हुआ है कि नहीं। तो ये टीवी ऑन हो गया है। इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें आपको जो है ना सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। ये LCD जो है फुल HD में, और इसका रेजोल्यूशन है 1920x1080, तो सॉफ्टवेयर हमने इसमें इंस्टॉल किया है, इसके बाद जो है ना ये ऑन हुई है। तो इसको अब हम कोई वीडियो लगा के देखते हैं। ये अभी इसको हम सीधा करेंगे, सीधा करके दोबारा इसको ऑन करते हैं।